तो ये कहानी है तीन पंक्स और उनके बहादुर बेटे माइलो की। जंगल के सबसे ताकतवर परिवार में जन्मे माइलो का भविष्य बहुत ही सुनहरा नजर आ रहा था, लेकिन तभी इसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है और इसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दरअसल इसके पिता यानी कि पंक्स इसके परिवार से दूर चले जाते हैं और यहाँ तक कि इसकी माँ भी इसे त्याग देती है। अब माइलो को अपने हर डर के सामने अकेले खड़ा होना होगा और आखिर में अपनी माँ का दिल भी जीतना होगा। और बस यही नहीं, बल्कि इसे तो अपने पिता यानी कि पंक्स के वापस लौटने तक जिंदा भी रहना होगा। तो हेलो, मेरा नाम है ऋतिक सिंह और स्वागत है आपका वाना टेल्स में। तो ये है मुआम्बा प्राइड, 20 शेरों का एक ताकतवर परिवार। इस प्राइड के रक्षक है तीन दमदार शेर जिन्हें पंक्स कहा जाता है। इन तीनों का नाम है मोहयक, एक्सल और स्पाइक। ये तीन भाई पिछले कुछ समय से लुएंगवा वैली के सुप्रीम पावर बने हुए हैं और इनके सामने आने की हिम्मत कोई भी दूसरा शेर नहीं करता है। वैसे इनके प्राइड में अभी कुछ नए मेहमान भी आए हैं। मोपानी जो कि 5 साल की शेरनी है, उसने दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से एक मादा है जिसका नाम है पॉपी और इसके भाई का नाम है माइलो। इनके लिए अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने लुएंगवा वैली के सबसे ताकतवर प्राइड में जन्म लिया है, जिससे इनका भविष्य तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन आगे सच में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हर बच्चों की तरह पॉपी और माइलो को भी किसी भी बात की टेंशन नहीं है और ये दिन भर बस उछल कूद मचाते रहते हैं। वैसे परिवार के लिए ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल परिवार में केवल यही दोनों बच्चे ही जिंदा बच पाए हैं। वैसे ये लुएंगवा में अक्टूबर का महीना है और यही वो महीना है जब लुएंगवा में गर्मी बर्दाश्त से बाहर चली जाती है और दोपहर में तो तापमान हद से ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों के लिए परिवार को हर वक्त पहरा देते रहना होगा, क्योंकि यहाँ इनका एक ऐसा दुश्मन है जो पलक झपकते ही बच्चों का काम तमाम कर सकता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ लेपर्ड की। बड़े शेर अक्सर ही लेपर्ड्स को परेशान करते हैं, तो इसीलिए लेपर्ड्स इन्हें तभी मार देना चाहते हैं जब ये बच्चे हो। लेकिन बच्चों को मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मोयक और मोपानी हर वक्त आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखते हैं। इस परिवार का घर बहुत बड़ा है और इनके घर में कई तरह के जानवर इनके साथ साथ रहते हैं, और जो इन सभी को जिंदा रखता है वो है लुएंगवा नदी। अब आप ही सोचिए, जहाँ तापमान 40-45 डिग्री के ऊपर हो तो वहाँ पानी कितना ज्यादा जरूरी होगा। और ये नदी ही इस शेर परिवार का सबसे बड़ा खजाना भी है, क्योंकि नदी के पास जानवरों की कोई कमी नहीं है। अब जैसे ही सूरज ढलता है और मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो परिवार के सभी शेर आलस को त्याग कर शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोपानी भी माइलो और पॉपी को दूध पिला के आगे बढ़ने लगती है, और अब रात भर बच्चों को अकेले ही रहना होगा और बड़े ही खामोशी से सभी बड़ों के लौटने का इंतजार करना होगा। अब जैसे ही घना अंधेरा होता है, वैसे ही लुएंगवा का एक और चेहरा नजर आता है। रात में तो सभी जानवर और भी ज्यादा चहल पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के लिए यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन यही चीज इनके लिए खराब भी है, क्योंकि ऐसे में तो सब इन्हें दूर से ही देख लेंगे, और जब परिवार इनके पास जाता है तब होता भी कुछ ऐसा ही है और इनका शिकार इनसे बचकर भाग जाता है। लेकिन इससे परिवार ज्यादा निराश नहीं होता है, क्योंकि इनके इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं है और इसीलिए ये कल एक बार फिर से शिकार करने निकलेंगे। परिवार के वापस लौटने तक सूरज निकल चुका होता है। परिवार के बाकी लोग तो आराम करने लगते हैं, पर मोपानी अपने बच्चों को पुकारने लगती है। लेकिन कुछ देर तक पुकारने के बाद भी इसे अपने प्यारे से बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते हैं। फिर मोपानी डरे सहमे उस जगह पर जाती है जहां इसने माइलो और पॉपी को छोड़ा था, क्योंकि इसे ये बात अच्छे से पता है कि लुएंगवा की रात कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। रात में हाइना से लेकर लेपर्ड्स तक ऐसे ही बच्चों की तलाश में रहते हैं जो अकेले हो और ये उनका काम तमाम कर सके। कुछ देर के छानबीन के बाद मोपानी वापस आती है, लेकिन यहाँ वही होता है जिसका डर था। रात के अंधेरे में माइलो ने अपनी बहन को खो दिया। अपने बच्चों के मौत से मोपानी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और माइलो के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तो इसके पास खेलने और समय बिताने के लिए कोई भाई बहन नहीं है, और इसके ऊपर से अब शायद इसका परिवार इस पर उतना ध्यान भी ना दे। दरअसल लायंस के सामने जब ऐसे हालात आते हैं जहां इन्हें केवल एक बच्चे को पालना होता है, तब आमतौर पर ये उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि कई बच्चों और एक बच्चे को पालने में लगभग एक सा ही संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे में परिवार को केवल एक ही बच्चे पर अपनी ऊर्जा जाया करना सही नहीं लगता है। और कुछ ही हफ्तों के बाद यही माइलो के साथ होता भी है। एकदम से परिवार का इसके लिए नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है।
और पहले जो परिवार इसकी रक्षा करता था, अब वही इसे खूब तंग करने लगता है। अगले कुछ ही दिनों में माइलो को और भी ज्यादा परेशान किया जाता है, पर आखिर में मोपानी परिवार के दूसरे शेरों के सामने आ ही जाती है। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ मोपानी भी माइलो से पल्ला झाड़ने लगती है। माइलो तो इस बात से एकदम हैरान था कि आखिर इसके साथ ये हो क्या रहा है, और अपने जीवन में पहली बार इसे अपने ही परिवार वालों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन किस्मत ने तो अभी माइलो को परेशानियों का एक ट्रेलर ही दिखाया था, क्योंकि आगे तो इसके पिता पंक्स भी परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। राइट के रक्षा के जाने का मतलब तो यही है कि अब इस परिवार के दिन बद से बदतर होने वाले हैं। अब वक्त इन्हें वो सब दिखाएगा जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पंक्स इन्हें छोड़कर दूसरी शेरनियों के पास जाना चाहते हैं, और कमाल की बात तो ये है कि इस खोज में इन्होंने अपने इलाके के आखिरी कोने को भी पार कर दिया। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि कोई शेर अपने इलाके के बाहर जाए, लेकिन क्योंकि पंक्स ताकतवर हैं, तो ऐसे में शायद इन्हें ऐसा करने में कोई भी डर नहीं लग रहा होगा। और नए इलाके में आते ही तीन भाइयों ने दहाड़ कर सभी को ये बता दिया कि अब से ये इलाका इनका है और कोई भी इनके सामने ना आए। वैसे यहाँ इनके लिए कोई कॉम्पिटिशन है भी नहीं, क्योंकि इस इलाके में तो केवल चार शेरनियाँ ही रहती हैं जिन्हें हॉलीवुड प्राइड के नाम से जाना जाता है। और कुछ देर के बाद हॉलीवुड प्राइड की एक शेरनी इनके पास आ भी जाती है, और इसे देखकर ये तो साफ हो जाता है कि हॉलीवुड प्राइड ने पंक्स को अपना लिया है। हॉलीवुड प्राइड के इलाके में भी शिकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ इम्पाला, कुडू और वार्थॉग्स जैसे जानवरों की कोई कमी नहीं है। वार्थॉग के इस 8 हफ्तों के बच्चे ने अभी जीवन के बारे में सीखना शुरू ही किया है। लेकिन कुछ ही देर के बाद हॉलीवुड प्राइड की एक शेरनी की नज़र इस पर पड़ जाती है, और जब तक इसे खतरे का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो जाती है। यही तो जंगल है, यहाँ किसी पे भी रहम नहीं दिखाया जाता है, और कमजोरों के लिए यहाँ जिंदा रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे दोस्तों एक ऐसा ही जंगल और भी है जो बहुत ही रहस्यमय है, और उसके बारे में जानना हम सभी को काफी अच्छा लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन रेन फॉरेस्ट की। दोस्तों अगर आप भी अमेजोन रेन फॉरेस्ट के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कुकू एफएम पर मौजूद हिस्ट्री ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑडियो बुक जरूर सुने। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 4000 से भी ज्यादा बेहतरीन ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, और मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण लगभग सारे कंटेंट रीजनल भाषा में अवेलेबल है। अगर आप जल्दी करेंगे और मेरा कूपन कोड वाना50 यूज करेंगे, तो आपको कुकू एफएम के एक ईयर सब्सक्रिप्शन पर इंस्टेंटली 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 399 का ईयरली कुकू एफएम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, तो अभी जाकर कुकू एफएम डाउनलोड करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ देर के बाद शेरनी अपना शिकार लेके आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ मोहयक इससे इसका शिकार छीन लेता है। इनसे 5 मील दूर मुएम्बा शेरनियों के लिए तो मुश्किलें बढ़ते ही जा रही हैं। एक तो इन्होंने अपने 3 रक्षकों को खो दिया, और इसके ऊपर से इन्हें 6 बड़े बच्चों और माइलो को खाना भी खिलाना है, जो कि शिकार करने में इनकी मदद भी नहीं करते हैं। वैसे तो इस मौसम में इनके आसपास जानवरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगातार शिकार में असफल हो रहे हैं। अगर कुछ और दिनों तक ऐसा ही चला तो मोपानी के पास माइलो को पिलाने के लिए दूध भी नहीं रहेगा। ऐसे में अगर परिवार को सबका पेट भरना है तो इन्हें कैसे भी करके एक भैंसे को मारकर गिराना ही होगा। ये अफ्रीका के सबसे बड़े और एग्रेसिव जानवरों में से एक हैं। 500 किलो के अधिक वजन होने के साथ साथ इनके पास जानलेवा स्टिंग भी है, जो किसी भी लायन को फाड़ देने की ताकत रखता है। अक्सर इतने बड़े शिकार को गिराने में इन्हें पंक्स का सहयोग मिलता था, लेकिन आज तो इनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। दिन में ये शिकार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाते हैं। पर जैसे ही शाम के बादल आसमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तब ये एक बार फिर से शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोपानी भी माइलो को एक जगह पर छोड़ देती है, और फिर जैसे ही अंधेरा लुएंगवा को पूरी तरह से ढकता है, परिवार अपने शिकारी मोड में आ जाता है। फिर पहले तो ये एक भैंसे के झुंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इसके बाद ये एक भैंसे को अलग करके उस पर हमला कर देते हैं। काफी देर तक भैंसे और इनके बीच जद्दोजहद चलते रहती है, लेकिन आखिर में भैंसा खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, और परिवार को एक बार फिर से खाली हाथ ही पीछे हटना पड़ता है। भोर होते ही माइलो छुपने वाली जगह से बाहर निकल आता है। अब क्योंकि माइलो के पास अपनी बहन नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा अकेला है,
ऐसे में ये बेचारा खेले भी तो किसके साथ। इतने में ही एक लेपर्ड की नजर माइलो पे चली जाती है और लेपर्ड से बिल्कुल ही अनजान माइलो अपने में ही खोया रहता है। पर जैसे ही लेपर्ड आगे बढ़ने ही वाली होती है तभी परिवार वापस लौट जाता है और इससे वो लेपर्ड यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है परिवार और माइलो के बीच की दूरियां बढ़ते ही जा रही है, तो ऐसे में वो लेपर्ड वापस तो जरूर आएगी। अक्टूबर लुएंगवा का सबसे गर्म महीना होता है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मई से ही यहाँ बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन अब और नहीं, और कुछ ही दिनों में बारिश वैली के हर जानवरों की जिंदगी को खुशहाल बना देता है। लेकिन लायंस के लिए बारिश इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले जो शिकार हमेशा नदी के आसपास ही रहता था वो बारिश के बाद पूरे जंगल में इधर उधर फैल जाता है, जिसे उन्हें पकड़ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में परिवार के पास अब बस एक ही विकल्प बचा है, भैंसे का शिकार करना, और इसके लिए तो इन्हें पंक्स की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसीलिए परिवार एक बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये मुपानी के अगुवाई में हॉलीवुड प्राइड के इलाके में जाने का फैसला कर लेते हैं, पर इसके लिए इन्हें लुएंगवा नदी को पार करना होगा, जो अभी पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इसमें न जाने कितने ही नाइल मगरमच्छ हैं। 16 फीट लंबा शरीर और अफ्रीका के सबसे मजबूत जबड़ों के साथ ये बहुत ही घातक शिकारी बन जाते हैं। लेकिन इतने बड़े खतरे के बावजूद भी मुपानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पूरा परिवार नदी क्रॉस करने लगता है। लेकिन कोई तो है जो पीछे ही छूट चुका है, और ऐसा लग रहा है कि परिवार को भी इससे खासा मतलब नहीं है। यहाँ तक कि माइलो की माँ को भी इसके हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ देर के बाद अपने डर को दूर करके माइलो नदी पार करने लगता है, और मुपानो भी माइलो के इस कदम से काफी खुश नजर आने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर नदी के दूसरे तरफ जाती है और ये बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है। इधर माइलो आगे बढ़ते जाता है और जैसे जैसे ये बढ़ रहा था पानी और गहरा होता जाता है, लेकिन तब भी ये हार नहीं मानता है। पर तभी मगरमच्छ इसके काफी पास आ जाता है, लेकिन यहाँ अपने बच्चे के ऊपर आए खतरे को देखकर मुपानी से रहा नहीं जाता है और ये मगरमच्छ पर गुर्रा के उसे भगा देती है। शायद ये माइलो के लिए एक नए जीवन की शुरुआत है, लेकिन आगे एक और मुसीबत इसका इंतजार कर रही थी। दरअसल परिवार को आगे बढ़ने के लिए एक ऊंची चढ़ाई को पार करना था। यहाँ बड़े तो किसी तरह से इसे पार कर लेते हैं, लेकिन माइलो के लिए इसे पार करना नामुमकिन है, और ऐसे में ये एक बार फिर से अकेला छूट जाता है। पर इस बार कुछ तो बदला है, मुपानी अपने बेटे को भूली नहीं है, बल्कि ये तो वापस आती है और माइलो को सही सलामत यहाँ से ऊपर ले जाती है। इसे ये तो साबित हो जाता है कि अब माइलो की माँ पहले जैसी हो गई है और माँ का प्यार जाग चुका है। और तो और मुपानी के इस बदले हुए रवैये को देखकर परिवार के बाकी लोग भी माइलो को फिर से अपना लेते हैं। माइलो का एक बड़ा भाई तो इसके पास आता है और माइलो को ये दिखाता है कि अब से ये हमेशा उसके साथ रहेगा। परिवार के बॉन्ड के वजह से आज ये लोग एक साथ है, पर आगे जिंदा रहने के लिए इन्हें पंक्स का साथ तो चाहिए ही। इसीलिए मोपानी पंक्स को बुलाने के लिए उन्हें आवाजें देती है। मोपानी की पुकार को आगे एक मील तक सुना जा सकता है, इसीलिए पंक्स को ये सुनाई तो जरूर देगा। परिवार पंक्स के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और फिर रात भी हो जाती है, पर इसके बाद भी पंक्स का कोई भी जवाब नहीं आता है। भोर होते ही परिवार को ऐसा लगता है कि अब शायद पंक्स इनके साथ आना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये तो मोयक है, और इसके पीछे पीछे एक्सेल भी परिवार के तरफ ही आ रहा है। परिवार ने पंक्स को पूरे एक हफ्ते के बाद देखा था, तो इसीलिए ये सब बहुत ज्यादा खुश थे। और कुछ देर के बाद तो स्पाइक भी वापस लौट आता है, जिससे मुएम्बा परिवार एक बार फिर से पूरा हो जाता है। अब जब सब साथ आ जाते हैं तब परिवार अपने घर वापस लौट जाता है, और अब क्योंकि परिवार एक साथ है तो मुपानी अपना पूरा ध्यान माइलो के परवरिश पर दे सकती है, और अब से माइलो का जीवन भी काफी खुशहाल है। बाकी के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि पंक्स की मदद से परिवार ने एक बहुत बड़े भैंसे को मार गिराया है, जिससे इन्हें कई दिनों के बाद भर पेट खाने का मौका मिलेगा। परिवार अपने जीवन के सबसे मुश्किल वक्त से निकल चुका है, और माइलो का जीवन भी अब बिल्कुल सही ट्रैक पर आ चुका है। बीते समय ने माइलो को बहुत दुख दर्द दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपको मारता नहीं है वो आपको और मजबूत बनाता है, और यही माइलो के साथ भी हुआ है। एक और खुशी की बात तो ये है कि परिवार की कुछ मादाएं पेट से हैं, और अगले कुछ ही महीनों के बाद माइलो का साथ देने के लिए इसके भाई बहन भी मौजूद रहेंगे। तो ये थी माइलो की कहानी। और दोस्तों, कुकू FM को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।